जहांगीराबाद क्षेत्र में शराबी पति ने पत्नी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने थाने पहुंचकर पति सोनू के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ इनके साथ? मारपीट करी है इसके पति ने। क्यों? दारू पीता है, इस वजह से परेशान रखता, मारपीट करता। अच्छा, तुम कौन इनकी? मैं इनकी दीदी। दीदी कहाँ के रहने वाली? सिद्धनंगला। कहाँ से शादी, कब शादी हुई थी इनकी? तीसरी साल चल रही है। तो क्यों मार दी इन्हें? वो तो पहले से ही रखता है, हम रख लेते हैं, दो दो तीन तीन महीने रखते हैं, सही हो जाती है, फिर ले जाता है कि अब समझ जाएगा, वो नहीं समझता। तुम्हारे का नाम है? प्रीति। प्रीति, अब किससे शिकायत करने आई हैं आप? हम थाने में आए हैं। फिर क्या कहती हैं? कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। हाँ, जेठ ने मारी और बुढ़िया ने हाथ पकड़ी है, और जेठ ने जूड़ा पकड़ करके मारी है, लड़की पैरन में पड़ रही है, जब भी वो कड़ेर का मार रहा गर्दन में वाकई में घुसा बजा जेठ ने। कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है ये? हाँ। उनके पति ने मारी है? हाँ, पति ने भी मारी है, जेठ ने भी मारी है, और जेठानी भी अर्रा रही है, दोनों बहन है और दोनों आई है मानने को। क्यों मारी है? नौकरी हम भी देखेंगे तो है, कैसे रह सके यहाँ घर में। आपने किससे शिकायत करी है? हाँ, किससे शिकायत करी है? हमारे लड़की तो ही कह रही है और हम भी सुनने वाले हैं। आपने शिकायत करी इस घटने की? हमने तो यही कैन सुनन करी, नो का बात है, क्यों मार रहे हो? नहीं, इसकी शिकायत करी आपने किसी से? ना, अब आए करने हम। कहाँ पे? याद के थाने। अच्छा, तेरी दे दी है? तेरी दे दे। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने आज अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। वहीं इसी दौरान भारी मात्रा में अवैध असलाह के वे उपकरण बरामद भी किए हैं। और एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, वहीं दो युवक मौके से फरार हो गए। देखिए, आज थाना जैतीपुर पुलिस को बहुत भारी सफलता मिली, और थाने की पुलिस को काफी दिनों से एक इनपुट मिल रहा था कि जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री काफी जोरों शोरों से चल रही है, और वो सीमावर्ती के इतने भी जिले हैं जैसे कि बदायूं, बरेली, वहां पर भी शस्त्र की सप्लाई इनके द्वारा की जा रही है। इस सूचना पर अपने मुखबिर के थ्रू इस सूचना को डेवलप थाना जैतीपुर पुलिस ने बहुत बखूबी किया, और उसके बाद इस शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा किया गया है। इनके पास से एक 315 बोर नाजायज जो देशी तमंचा होता है वो, 3 12 बोर के और 2 अर्धनिर्मित देशी तमंचे इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा बहुत भारी मात्रा में नाल जो बनाने की मशीन होती है, फैन और आदि जो सामान जिससे देशी तमंचा बनाया जाता है, वो भी हमें मिला है, बरामद वहां से किया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त जिसका नाम राजवीर है उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ अभियुक्त वहां से दबिश के दौरान जो फरार हुए हैं उनको हमने वांछित कर लिया गया है, उनको भी जल्द से जल्द थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, और हमारी आशा है कि इस कार्यवाही से जो अवैध तमंचे का जो यहां पर कारोबार है, जो खरीद फरोख्त है, उस पर अंकुश लगाने में हम लोग सफल होंगे। जो खरीदार है क्या उनको भी आइडेंटिफाई करने की उसकी तस्दीक करी जा रही है, विवेचना प्रचलित अभी की जाएगी, उसमें तस्दीक किया जाएगा कि कहां कहां इनकी सप्लाई थी, किस किस क्या फॉरवर्ड लिंकेज थी, क्या बैकवर्ड लिंकेज थी, कहां से सामान ये लोग सप्लाई लेते थे, कौन इनको फंड सप्लाई करता था, कहां ये बेचते थे, इसकी पूरी जानकारी अभी विवेचना के दौरान की जाएगी। बाड़मेर जिले के सिवान उपखंड क्षेत्र में समतगढ़ी होतरनड़ी के पास एक रेसिंग कार ने मोटरसाइकिल को भीषण टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार खाई में जा गिरी और मोटरसाइकिल पर सवार बच्चे सहित माता पिता की मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक के परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया।